मीरगंज शहर के मीरगंज थाने के सामने संचालित अलशिफा हॉस्पिटल में प्रसव के बाद महिला की स्थिति बिगड़ी, हुई मौत, इलाज में लापरवाही का आरोप। अपने सपनों का घर बनवा रहे हैं तो फिर क्वालिटी से समझौता ना करें, क्योंकि नेचुरल टाइल्स मीरगंज देता है आपको टाइल्स, ग्रेनाइट, प्लम्बिंग में सैनिटरी वेयर का बेहतरीन कलेक्शन सबसे बेहतर कीमत में। जगुआर, जॉनसन, सोमानी, कजरिया जैसे बेस्ट कंपनी का उपलब्ध। पता है नेचुरल टाइल्स मीरगंज थाना के ठीक सामने। मीरगंज शहर के मीरगंज थाना के सामने संचालित अलशिफा हॉस्पिटल में एक महिला का प्रसव होने के बाद स्थिति बिगड़ने के बाद मौत हो गई, जिसके बाद शव के साथ हॉस्पिटल पहुंचकर परिजन डॉक्टर पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग करने लगे। वहीं परिजनों के विरोध को देखते हुए अस्पताल के डॉक्टर सहित कर्मी अस्पताल छोड़कर फरार हो गए। सूचना के बाद मौके पर पहुंचे हथुआ SDO और SDPO ने परिजनों को समझाकर शांत करवाया और शव को पोस्टमार्टम के लिए गोपालगंज भिजवा दिया। मृतका की पहचान सिवान के बढ़रिया थाना क्षेत्र के बंगरा बुजुर्ग गांव के मनोहर कुमार मिश्र की 30 वर्षीय पत्नी शिल्पी मिश्र थी। वहीं मामले में पति ने मीरगंज थाने में अस्पताल पर गंभीर आरोप लगाते हुए कार्रवाई करने के लिए आवेदन दिया है। नाम रोहित प्रकाश मिश्र हुआ, मेरा घर बंगरा बुजुर्ग हो गया, मेरी जो मरी थी, मेरी पुजाई थी, यहाँ अलशिफा हॉस्पिटल थाना के सामने मीरगंज, वहाँ सवेरे हम लोग ये भर्ती करवाए। भर्ती करवाने के बाद बोला कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, इतना पैसा जमा कर दीजिए। ऑपरेशन हो गया, ऑपरेशन होने के बाद से समय काटते गया, बताया नहीं कि मरीज के साथ हो क्या रहा है। एक ही टाइम शाम को 5:30 बजे बोला कि मरीज का हालत ख़राब है, जबकि परिवार का सब लोग है, उसके साथ है, सब लोग हम लोग खड़े हैं, कुछ नहीं बताया कि इसके साथ क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। अभी हम लोग आपस में राय करें तब तक एम्बुलेंस बुलवा दिया, मरीज लदवा दिया, अभी गोपालगंज हम लोग ले जाने के क्रम में तब तक मरीज डेथ कर गया। फिर भी तसल्ली के लिए कोई वहाँ पे था, सदर अस्पताल में हम लोग ले जाके चेक करवाए, वहाँ से मरीज ये हो गया, मरीज मर गया। फिर यहाँ हम लोग आए हैं, डॉक्टर का कोई ठिकाना नहीं है कि डॉक्टर कहाँ है, नहीं है। मौत का कारण था इसकी डॉक्टर की लापरवाही के कारण ही मौत का जिम्मा डॉक्टर की लापरवाही है, दूसरा कुछ नहीं है। हम इसको पैसा के लालच में हमको समय काटते गया, जब उसको लगा कि नहीं अब ये मरीज बचेगा नहीं। अब क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं, प्रशासन से मांग चाहते हैं कि हमारे साथ न्याय हो, इसका लाइसेंस रद्द हो।